मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वित्त मंत्री ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि ये दूरदर्शी बजट है। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आज का जो बजट देश के लिए आया है, उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। वहीं विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। देखिए, सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन ढाक के तीन पात, ना किसानों की आय दुगना करने के लिए कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी कैसे दूर होगी उस पर कोई सरकार का फोकस नहीं है, गरीब और मध्यम वर्ग जो महंगाई से जो है त्रस्त है, महंगाई कम करने के लिए कोई प्रयास होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो बजट है, ये बजट जो है किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी जो है प्रस्तुत करने का काम किया है,